हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज संकेन स्टोमेटा इज फाउंड इन डैश हैविंग लीव्स विद डैश क्यूटिकल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दो ब्लैंक्स है, बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दिया है रिगार्डिंग दिस ब्लैंक्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे संकेन स्टोमेटा जो देखने को मिल रहा है, ये जो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये वेल अडेप्टेड है टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट। अगर हम देखें जैसे एग्जाम्पल, अगर हम देखें इनमें जो कॉनिफर्स हैं, कॉनिफर्स में अडेप्टेशन कैसा देखने को मिल रहा है, इनके जो लीव्स हैं ये कैसे होते हैं, पहला तो नीडल लाइक, और नीडल लाइक होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। दूसरा क्या होता है, इनमें लीव्स अगर हम देखें, इनमें स्टोमेटा कैसा है, संकेन है, यहाँ पे संकेन स्टोमेटा है, संकेन स्टोमेटा। तो अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है, ये जो आउटर कवरिंग आउटर लेयर जो है उसमें ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन संकेन स्टोमेटा कैसे होते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें आउटर लेयर है यहाँ पे, तो अंदर की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे स्टोमेटा जो है ऐसे धंसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा होता है, स्टोमेटा अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तरह से वाटर लॉस जो है उसको कम कर रहा है यहाँ पे। थर्ड अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल क्या है, ये वैक्सी लेयर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो एपिडर्मिस के बाहर की तरफ जो लेयर है ये, तो ये थिक होने की वजह से हमें पता है कि वाटर लॉस जो है वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है एक तरह से। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे थिक होने की वजह से क्या कर रहा है, वाटर लॉस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें संकेन स्टोमेटा इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स में, और इनमें क्यूटिकल कैसा होता है, थिक होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉनिफर्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे थिक क्यूटिकल है तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा, यहाँ थिन दिया है तो ये गलत होगा। देन यहाँ टेरिडोफाइट्स दिए हैं, यहाँ पे भी टेरिडोफाइट्स दिए हैं, तो ये तो गलत ही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।